ओम शांति। विश्व के चारों तरफ के भाई और बहनें, हम सभी के लिए ये खुशी की बात है कि ईयर 2021 हम सब के लिए बहुत आशाएं लेकर आया है और विशेष जनवरी मास हम सब विशेष ब्राह्मण परिवार, स्पिरिचुअल पुरुषार्थ करने वाले सभी के लिए एक विशेष मंथ है, जिस मंथ में हम सभी तपस्या तपस्या और तपस्या करते हैं। ये जो तपस्या का मंत्र है, उसका कारण हम सबके प्यारे ब्रह्मा पिता, जिन्होंने ब्रह्मा कुमारी संस्था 1937 में शुरू की और अब तक बहुत सुंदर रीति से चलती है, उन्होंने अपना लौकिक देह का 1969 में त्याग किया था, वो 18 जनवरी को, तो इसीलिए जनवरी मंथ तपस्या मंथ बन गया। और मुझे एक बहुत खुशी है कि हमारा ये जो विशेष ब्राह्मण जन्म है, तो मुझे आज ऐसे विशेष मंथ में अपने कुछ अनुभव सुनाने का दिल हो रहा है। बचपन से मैं भगवान को ढूंढती थी, 20 साल तक ढूंढा, परंतु सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। और अचानक ही ऐसा सुंदर समय आया, ब्रह्मा कुमारी संस्था से मुलाकात हुई और थोड़े ही समय में माउंट आबू में ब्रह्मा पिता से मुलाकात हुई। पहले ही मिलन में जादू हो गया, क्योंकि ब्रह्मा पिता में निराकार परमपिता शिव परमात्मा विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहे थे और वो कार्य का मुझे एक सेकंड में रियलाइज हो गया, वो मेरी ताकत नहीं थी, वो ब्रह्मा पिता की ताकत थी, वो शिव पिता की ताकत थी। इसलिए हम कहते बाप दादा दोनों एक साथ, जिन्होंने मेरे जीवन में बहुत सारे मिरेकल किए। माउंट आबू में पहले ही दिन की मुलाकात से मेरे जीवन का लक्ष्य बदल गया। मैं बहुत डरपोक थी, निराशा में रहने वाली थी, होपलेस थी और बीमार रहती थी। ब्रह्मा बाबा ने दृष्टि डाली, मेरे जीवन में एक नया उमंग उत्साह आ गया, जो आगे चल के मेरी हेल्थ में भी फायदा हुआ। मैं हेल्दी वेल्दी हैप्पी हो गई और 6 मास के अंदर ही ब्रह्मा बाबा ने मुझे इंस्पायर करके सरेंडर करा दिया। तो मैं 6 मास में ब्रह्मा कुमारी सेंटर में रहना शुरू कर दिया। ये तो बड़ा मिरेकल है। और सेंटर में आने के बाद मुझे बहुत ही फास्ट हर बात में प्रोग्रेस का अनुभव रहा। एक कुमारी के रूप में आई, एक अच्छी टीचर बना दी, जल्दी जल्दी सेंटर इंचार्ज बना दी और कुछ सालों के अंदर ही मुझे विदेश सेवा में भेज दी। ये थी कमाल हमारे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की। और उन्होंने मेरे जीवन में हर कदम में बहुत मिरेकल किए हैं। मेरे लिए घर छोड़ के सरेंडर होना बहुत मुश्किल था, लेकिन ब्रह्मा बाबा का वो श्रेष्ठ पावर जो था, वो पावर ने मुझे कौन सी शक्ति दे दी जो मैं एकदम बहुत मोह में फंसी हुई माँ बाप और परिवार में एकदम नष्टो मोहा बन गई। मुझे खुशी है कहने में, जिस दिन मैंने घर छोड़ा, उस दिन से आज तक मैं एक रात भी मेरे लौकिक माँ बाप के पास जाकर नहीं रही। मुझे इस ज्ञान में चलते चलते 55 ईयर हो गए
मैं जाती हूँ, परिवार को मिलती हूँ कुछ घंटों के लिए, तो ये नष्टो मोहा का पावर कहाँ से आया। और बावकी बनने के बाद एक बहुत एक नया धारणा का संकल्प आया, मैंने अपने जीवन में कोई भी शादी अटेंड नहीं की है। मेरे सरेंडर होने के बाद 4 भाइयों की शादी हुई, मैंने एक भी शादी अटेंड नहीं की। तो आप सोच लीजिए कि बाबा का कितना पावर था। और ज्ञान के जो 4 विषय है उसमें से मुझे योग का विषय एकदम दिल पचस्पी वाला बन गया, जो तब से लेकर आज तक मुझे योग विषय से ही सब काम करना अच्छा लगता है। और बाबा ने मुझे ये कहा था, बच्ची शेरी बनी बन के चलो, बकरी नहीं बनो, बैबे नहीं करो। तब से लेकर मुझे ये एक शेरनी शक्ति का जैसे वरदान मिल गया। मैं ज्ञान में आई, उदास रहती थी, मैं बहुत बात नहीं करती थी, चुप रहती थी। बाबा ने मुझे कहा, बच्ची रमणीक बनना सीखो। बाबा ने मुझे वरदान दिया, उमंग उत्साह में रहने वाली, उमंग उत्साह दिलाने वाली। तो ये सब बातों के कारण मेरे जीवन के अंदर जैसे एक नया उमंग आ गया, एक नया उत्साह आ गया। तब से लेकर आज तक मैं जैसे भले ब्रह्मा कुमारी हूँ पर बहुत अच्छी जोकर हूँ। कितनी भी डिफिकल्ट बातों में जोक के रूप में ले लेती हूँ, कितनी भी सैड सिचुएशनों में सबको हंसा लेती हूँ। तो ये सब किसने किया? कितना भी भारी काम हो पर मैं गीत गाते गाते कर सकती हूँ। तो ऐसे बाबा ने मेरे जीवन के अंदर बहुत ही बहुत ही बहुत ही मिरेकल किए हुए हैं। और ये मिरेकल जो किए हैं, तो अभी जो ये मंत्र है, बाबा का भी जो लास्ट मंत्र था हम सबके लिए, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, तो अभी ये बात को हम अपने जीवन में कैसे लाए? बाबा के लास्ट जो अपने जीवन की धारणा के शब्द थे, उसको अभी हमें बहुत जल्दी लाना होगा अपने जीवन के अंदर। और हमने ब्रह्मा बाबा को देखा हुआ है कि हम बाबा के पास जाते थे, हमने पहली बार ही देखा कि एक व्यक्ति बैठी हुई, एक बूढ़ा दादा बैठा हुआ है। और जब दृष्टि लेना शुरू किया तो जैसे एकदम एक लाइट 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 हो गया, बाबा ही अदृश्य हो गया, जैसे ब्रह्मा बाबा वहाँ थे ही नहीं, साकार व्यक्ति वहाँ है ही नहीं। तो बाबा ऐसे घड़ी घड़ी अनुभव कराते थे कि वो है भी और वो नहीं है। कभी हम जाके कुछ कहते थे, कहते हाँ कल आना, हम दूसरे दिन जाते थे तो कहते क्यों आए हम, हम कहते थे बाबा आपने कहा था ना, बाबा कहते अच्छा कहा था, मतलब बाबा है ना वो एकदम अपने सोल कॉन्शियस स्टेज में रहते थे, जिस समय जो जरूरत है काम किया फिर वो बात भूल जाते थे। तो इस प्रकार से हमें भी अपने जीवन के अंदर बाबा के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से शरीर में होते, आत्मा समझकर सब कुछ करते, दूसरों के शरीरों को देखते भी आत्मा समझकर उनकी विशेषताओं को देख के किस प्रकार से चले, ये हमें प्रैक्टिकल में भी लाना बहुत ज़रूरी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो मेरे भाई और बहनों, हमें ये निराकारी बात की बहुत सारी बातें आप कितनी भी बुकों में पढ़ सकते हैं, कितनी मुरलियों में पढ़ सकते हैं, कितने प्रवचन में सुन सकते हैं, लेकिन करना वो ज़रूरी है, आज नहीं तो कभी नहीं, ऐसे सोच के करना शुरू करें। और जो निर्विकारी की बात है, तो बाबा जो थे ना, वो जैसे एक ऐसी व्यक्ति थी, हमने कभी भी ये जो 5 विकारों की बात करते हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह देह अभिमान, हमने बाबा में एक भी विकार नहीं देखा। मैं तो अहमदाबाद में थी, घड़ी घड़ी मुझे आबू जाने का मौका मिलता था, जब जब भी बाबा को मिलते थे, मैंने एक भी बार बाबा में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आलस्य ईर्ष्या कोई भी बात मैंने नहीं देखी। जैसे एकदम अव्यक्त फरिश्ता, आकर्षण मूरत, हर्षित मूरत, अलौकिक मूरत, ऐसा एक फरिश्ता नजर आता था। तो अभी हमें फॉलो फादर करना है, अभी कर्मातीत बनने का समय है, हमें एकदम अलर्ट होना है इस बात में। और हमें भी एकदम सब विकार, जैसे विकार कुछ है ही नहीं, विकार की दुनिया से ही दूसरी दुनिया में है, ऐसी हमारी स्थिति प्रैक्टिकल में बनानी संकल्प करेंगे तो जरूर होगा। तो बाबा जो है ना, वो इतना बड़ा यज्ञ चलाते थे, इतना काम करते थे, परंतु बाबा एक जैसे फादर बच्चों के साथ
प्यार से काम कराता, इस ढंग से कराते थे। बाबा बच्चों की कमियां खामियां भले देखते थे लेकिन बाबा उसमें जाते नहीं थे। बाबा कहते थे चलो बच्चे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, चलो आगे बढ़ो, बच्चे ये बात वो भूल जाओ, चलो आगे बढ़ो। हम बाबा को कहते थे बाबा मेरे पिताजी में तो बहुत गुस्सा है, कैसे उनको हम समझाएं। बाबा ने कहा कोई बात नहीं बच्ची, समझ जाएंगे। बाबा ने कहा कि बच्ची तुम है ना, पीछे कुछ नहीं देखो, आगे देखो। तो बाबा इस प्रकार से मतलब एकदम जैसे फ्रेंडली होके करते थे। एक बार हमने संकल्प खाली किया कि हमको बाबा के साथ फोटो निकालना है, तो बाबा कितना जैसे एकदम हमारी टचिंग को कैच करके फोटोग्राफर को बुलाकर फटाफट फोटो निकलवा दिया और साथ में कह दिया कि बच्ची देखो तुम्हारा जिसके साथ फोटो निकला है ना उनको याद नहीं करना है, तुमको ब्रह्मा को याद नहीं करना है, ये फोटो में जो नहीं आया है ना निराकार शिवा उसको याद करना है। तो आप देख लीजिए इतना बड़ा काम साकार बाबा करते हुए भी सब बात में निराकार को ही आगे रखते, कभी अपना ये अभिमान नहीं कि मैं कर रहा हूँ या मैंने किया। तो मेरे मीठे प्यारे भाइयों और बहनों, समय के अनुसार हम सबको चलना है। हम सब जानते हैं कि हम लास्ट एक साल से हम विचित्र परिस्थिति से पास हो रहे हैं। अब तक हमारे जीवन में ब्राह्मण बनने के बाद जिस ढंग से हम चलते थे, एकदम नया वातावरण हम सबके लिए आ गया और लॉकडाउन शब्द ने तो सबको एकदम ऐसे बिठा दिया, कोरोना वायरस बीमारी ने तो जैसे सबको डरा दिया। तो अभी हम कोरोना को समझे कि हमारे भविष्य संपूर्ण बनने का क्राउन आया है, क्योंकि ये बीमारी ने सबको घर बिठा दिया, सबको इंट्रोवर्ट कर दिया, सबका मुंह बंद करा दिया, तो कितना कुछ दौड़ा भागी को बंद करा दिया। तो कमाल है कि जैसे सबको ऑनलाइन में चढ़ा दिया, तो अभी हमको जब ऑनलाइन में चढ़ा दिया है तो हमारा कनेक्शन आत्मा का ऑनलाइन अभी परलोक से कर दे, सदा हम परमधाम से कनेक्टेड रहे। बाबा तो हॉटलाइन है, परमात्मा से कनेक्शन जिसका हो उसके जीवन में खुशी के सिवाय कुछ भी नहीं होता है। तो इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो ब्रह्मा बाप ने किया और कर्मातीत बनने के लिए किया, संपूर्ण बनने के लिए किया और अभी सूक्ष्म वतन से हम सबकी इंतजार कर रहे हैं, तो हमारा काम है अभी बाबा की इंतजार को हम पूरा कर दे, हम तैयार होके बाबा के नज़दीक पहुंच जाए। तो बस यही हमारा अनुभव है और आप सबको हम यही कहना चाहते हैं कि समय कम है और हमारी जो मंजिल बहुत दूर है, तो हमें बहुत फास्ट कदम उठाने हैं। तो ये जनवरी मास के अंदर हम सभी हमारे ब्रह्मा बाप के हर कर्म को याद करके उनके विशेष अंतिम समय के ये जो तीन शब्द है निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, ये बात को फॉलो करके और जैसे उन्होंने किया ऐसे हम भी करें और प्रैक्टिकल हम ये प्रूफ दिखाए कि हम फॉलो फादर कर सकते हैं। ये नहीं सोचना कैसे होगा, अगर ये सोचा नहीं तो ये कमजोरी है। कल्प पहले भी हमने ही किया था, अभी भी हम ही करेंगे और कल्प के बाद भी हम ही करने वाले हैं, ऐसा श्रेष्ठ संकल्प रखे मेरे मीठे प्यारे भाई और बहनों। हम सबके मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा साकार में होते निराकार परमात्मा को अपने रथ पर बिठाकर साकार कारोबार को भी संभाला और निराकार स्थिति भी रखकर हम सब बच्चों को बहुत प्रेरणा दी। 60 ईयर की एज में शुरू किया तो ऐसे नहीं कि नौजवान थे, लेकिन बाबा ने नौजवानी के नशे से ये कार्य किया। तो ऐसे बाबा को हम फॉलो करने के लिए क्या करें, आत्मा समझना है, इस देह और देह की दुनिया से डिटैच होकर सब कुछ करना है और हर पल सर्वशक्तिवान परमात्मा को साथ रखना है, कभी अकेला नहीं रहना है और परमात्मा के साथ रहकर
जो भी हम कुछ परमात्मा से प्राप्त करें, वो प्राप्त किया हुआ हम हमारी मनसा संकल्प शक्ति के द्वारा सारे विश्व की आत्माओं को सकाश दे, उन आत्माओं को पावर दे, उन आत्माओं को हिम्मत दे, उमंग दे, उत्साह दे और उनका भी जीवन परिवर्तन करने का हम श्रेष्ठ संकल्प रखेंगे तो उनको हमारे संकल्प जरूर पहुंचेंगे। तो आप सबके लिए मेरा यही कहना है, मेरे भाइयों और बहनों, आप सबको नए साल की बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सारा साल आपका बहुत ही सुंदर, बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही सफलता से भरपूर रहे, यही हमारी शुभ भावना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।